नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोत्रा। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी मजबूती के साथ उभरे, उनके आगे बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब हो गई। आज देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। ऐसे में अपनी सत्ता को बचाने और अस्तित्व की लड़ाई में कई ऐसे काम हुए जिसकी कल्पना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं की होगी। ऐसा ही कुछ यूपी में देखने को मिला, जब पीएम मोदी को हराने के लिए सालों पुरानी कट्टर दुश्मनी को भूलकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हाथ मिला लिया। जो मायावती दिन रात मुलायम सिंह को कोसती थी, वो मैनपुरी में मुलायम के साथ कुर्सी पर बैठे दिखाई दी, उनके लिए वोट मांगती भी नजर आई। 2 साल पहले तक बुआ बबुआ की इस दोस्ती की कल्पना उनके विरोधियों ने भी नहीं की थी। और इसी कड़ी में एक और दिलचस्प मुकाम सोमवार को देखने को मिला, जब 5वें चरण के मतदान के दौरान मायावती लखनऊ में अपना वोट डालने पहुंची। दरअसल ये बात इसलिए मजेदार हो जाती है क्योंकि इस सीट पर बीएसपी का अपना कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतरा है, क्योंकि लखनऊ सीट पर गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पूनम सिन्हा खड़ी है। ऐसे में जब मायावती ने यहाँ ईवीएम का बटन दबाया तो सबसे पहले एक ही बात जहन में आई कि उन्होंने किसको वोट दिया होगा। माना जा रहा है कि ये पहली बार होगा जब मायावती ने अपने हाथी को वोट ना देकर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबाया होगा। लखनऊ लोकसभा सीट पर सपा की पूनम सिन्हा का मुकाबला बीजेपी के राजनाथ सिंह और कांग्रेस के उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम से है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाली मायावती ने न तो कमल और न ही पंजे का बटन दबाया होगा। मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी है, ऐसे में ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि उन्होंने किसे वोट दिया होगा। आपको बता दें कि इससे पहले एसपी बीएसपी ने साल 1993 में एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बाद दोनों की राह अलग हो गई। 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद तो दोनों पार्टियों के बीच इतनी तल्खी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वक्त और हालात दोनों बदल गए। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो वोट की जो वैल्यू है वो बराबर ही है। अरे लगा दीजिए, आप ही लगा दीजिए, बाहर मत निकालिए। वो जरूर अपने पोलिंग बूथ पर जाए और कहाँ से ले जाए, मत का इस्तेमाल करना है तो देश और जनहित में बहुत सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो आपको वोट का अधिकार मिला है तो इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, अपने हितों में इस्तेमाल होना चाहिए। जो भी मतदाता करेंगे तो जनहित में तो अपने वोट का इस्तेमाल करें, ऐसी मेरी अपील है। और किसी को भी घर में नहीं रहना चाहिए, वोट डालने के लिए सबको निकलना चाहिए, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, जिनको भी जिनका भी वोट है उनको वोट डालने के लिए समय से जरूर पहुंचना चाहिए।